हेलो हेलो हाँ जी गुड इवनिंग राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को एक बार वॉइस वीडियो बताना ठीक ठाक है ना चेक करके वॉइस और वीडियो ठीक ठाक है ना जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी टीचर डे की शुभकामनाएँ दे रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स अलॉट और आप में से बहुत सारे अध्यापक होंगे भी ऑलरेडी पढ़ाते होंगे कहीं ना कहीं तो आपको भी अध्यापक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूं इसलिए मतलब सीखना तो ये होता है कि कहीं से भी सीखा जा सकता है छोटों से भी सीखा जा सकता है बड़ों से भी सीखा जा सकता है तो वही शिक्षा होती है ठीक है ना तो ऑल अराउंड शिक्षा मिलती है मतलब कहीं ना कहीं से तो मिलती है चाहे वो छोटों से मिलो चाहे वो बड़ों से मिलो तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू देखिए आज जो है हम एम एस ऑफिस जो है पढ़ेंगे एम एस ऑफिस पढ़ेंगे आज फर्स्ट क्लास रहेगी आज एम एस ऑफिस की ये डी पी के लिए दिल्ली पुलिस के लिए आप कह सकते हो डी पी के लिए और सी ई टी के लिए तो कह ही सकते हो आप इसको सी ई टी के लिए ठीक है ना <coughs> सर थोड़ा तेज बोलो सुन नहीं रहा ऐसा है क्या ऐसा ही है क्या एक बार देखना चेक करना भाई जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभी का भाई धन्यवाद थैंक यू सो मच एक बार बताना वॉइस वीडियो एक बार दोबारा से एक बार कंफर्म करना सर पर थोड़ा ओके ओके है जी वॉइस वीडियो यस सर एम ऑल्सो टीचर हाँ बहुत सारे हैं आप में से जो टीचर हैं तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दीपक दिवस की बताएं एक बार वॉइस कंफर्म कर दें तो शुरू करते हैं वॉइस कंफर्म कर दें एक बार शुरू करते हैं फिर जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी 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 तो चलिए करते हैं शुरू भाई अपना काम तो इस क्लास की जो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी कंप्यूटर विद लाब सिंह नैन के नाम से और अपनी ऐप अप जो है ऐप जो है अपनी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो लाब सिंह नैन के नाम से उस ऐप में भी पीडीएफ आपको ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीडीएफ भी मिलेगी और हो सकता है ये क्लास भी आपको ऐप में मिल जाए ठीक है ना ठीक है तो ये आप देख लेना जैसे भी आपको उचित लगे वैसा कर लेना तो चलिए करते हैं शुरू आज का काम भाई ठीक है आज का काम स्टार्ट करते हैं ठीक है लेके प्रभु का नाम तो देखो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है वो है अपना ऑफिस क्या है ऑफिस ऑफिस एक नाटक आया करता था ऑफिस ऑफिस ठीक है ना ऑफिस आज हम पढ़ेंगे आज मैं आपके कमेंट की तरफ ध्यान कम दे पाऊंगा पहले ही बता रहा हूँ आज हम ऑफिस पढ़ेंगे ऑफिस क्या है ये कमेंट करके ज़रूर बता दो ऑफिस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑफिस जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस आपका है क्या कौन सी कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है ऑफिस नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में या नंबर दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है किसकी कैटेगरी में आता है बिल्कुल सही कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है कौन आता है ऑफिस आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑफिस ऑफिस बहुत सारे हैं ऑफिस क्या है ऑफिस तो बहुत सारे हैं यानी कि ऑफिस की जो एप्लीकेशन है ऑफिस की जो ऐप है ये एप्लीकेशन है जो ऐप ऑफिस की ये तो बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी हैं लेकिन हम कौन सी पढ़ते हैं यह मैटर करता है और बहुत सारी कौन सी कौन सी है यह भी मैटर करता है तो बहुत सारी कौन सी कौन सी है ए स्टार ऑफिस स्टार ऑफिस बी लिब्रा ऑफिस लिब्रा ऑफिस सी Open Office C Open Office D WPS Office E Leap Office Leap Office F MS Office MS ऑफिस एम एस का मतलब यहां पर क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट होता है एमएस का मतलब क्या होता है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट होता है भाई माइक्रोसॉफ्ट एम एस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भाई एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है इसका मतलब ठीक है ना क्लियर हुई बात क्या होता है एम एस ऑफिस होता है तो ये बहुत सारे ऑफिस जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर लेकिन इनमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं इनमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं वो या ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा है अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यही हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दोनों के लिए उपलब्ध है किसके लिए उपलब्ध है दोनों के लिए ये मैक ओ के लिए भी उपलब्ध है मैक ओ क्या है मैक ओ ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एप्पल वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका है एप्पल वालों का ओ है एप्पल का ओ है और ये किसके लिए भी उपलब्ध है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए भी उपलब्ध है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए भी क्या है उपलब्ध है भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए भी ये अवेलेबल होता है क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बात समझ में आई यानी कि ऑफिस तो है अपने पास और इतने सारे हैं स्टार ऑफिस भी अपने पास है लिब्रा भी अपने पास होता है ओपन ऑफिस भी होता है डब्ल्यू भी होता है लीप भी होता है और एम ऑफिस भी होता है ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो एम ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही देखते हैं ऐसा क्यों पहला तो यूज़र फ्रेंडली कोई भी सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्या होगा यूज़र फ्रेंडली होगा भाई क्या होगा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होगा जल्दी वो जुबान पर चढ़ेगा या जल्दी ही जो क्या है वो समझ में आएगा यूज़र फ्रेंडली यानी कि यूज़र के चलाने में आसान होगा तो उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा तो एम एस ऑफिस है जो ऐसा जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और ये पेड सॉफ़्टवेयर होता है ओपन ऑफिस वालों की तरह फ्री सॉफ़्टवेयर नहीं होता ये ओपन ऑफ़िस वाले हैं ये फ्री सॉफ़्टवेयर देते हैं हालांकि इसका एक फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है वो ऑनलाइन होता है बट ये जो है आपका क्या है पेड सॉफ्टवेयर होता है पेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक है क्लियर बात तो अब आज अब आज अब पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ एम एस ऑफिस हिस्ट्री ऑफ एम एस ऑफिस वाई इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं आज हम पहले हिस्ट्री ऑफ एम एस ऑफिस हिस्ट्री ऑफ एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस का इतिहास पढ़ लेते हैं बस ठीक है ना एम एस ऑफिस का क्या पढ़ लेते हैं इतिहास पढ़ लेते हैं सबसे पहले एम एस ऑफिस का क्या इतिहास है एम एस ऑफिस क्या कहता है एम एस ऑफिस कहता है कि इसका जो वर्जन आया था सबसे पहला वर्जन सबसे पहला जो वर्जन आया था इसका इतिहास लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से जहाँ हिस्ट्री क्रिएट करेंगे इसकी इसकी जो है हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं ठीक है ना हाँ हिस्ट्री ऑफ एमएस ऑफिस बिल्कुल भाई हिस्ट्री ऑफ एमएस ऑफिस बिल्कुल सही बात है तो सबसे पहले जो है अरे हो जा मता यहाँ पर देखो 1990 की बात है कब की बात है 1990 की बात है वर्जन आया 1.0 1.0 वर्जन कौन सा वर्जन है 1.0 किसका है वर्जन एमओ का एमओ का मतलब क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है एमओ का मतलब क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमओ का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे पहला वर्जन कब आया 1990 1.0 कौन सा आया 1.0 आया 1990 हाँ ये ये वाला जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीडीएफ आपको मिल जाएगी चिंता न करें ठीक है ना इसके बाद 1991 1991 1.5 आया कौन सा वर्जन आया 1. 5 वर्जन आया 1.5 1991 इसके बाद फिर से 1991 के अंदर वर्जन आया 1.6 वर्जन कौन सा वर्जन आया 1.6 वर्जन आया किसके अंदर 1991 के अंदर आया क्लियर है बात यहां तक उतरा कहां से होती है कॉपी की गई वर्तु, वर्तु या वस्तु वर्तु कर या वस्तु, वस्तु कर रहे हो वर्तु कर रहे हो या वस्तु कर रहे हो कॉपी पेस्ट मत करो भाई विकास विकास कॉपी पेस्ट मत करो अभी आएगा ये मामला ये मामला अभी आपके सामने आएगा कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेस्ट मत करो भाई कॉपी पेस्ट ना करें रिक्वेस्ट है ये आएगा मामला अभी आपके सामने इसके बाद 1992 1992 टू टू के अंदर आया टू पॉइंट फाइव वर्जन कौन सा वर्जन आया टू पॉइंट फाइव वर्जन आया 1992 टू के अंदर नाइनटीन टू क्लियर बात सभी को क्लिप बोर्ड में होती है हाँ बिल्कुल सही कहा ये किसने कहा है, क्लिप बोर्ड में होती है बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है इसके बाद इसके बाद 1994 1994 फोर क्या वर्जन आया 3.0 वर्जन भाई 3.0 वर्जन, वर्जन आया 1994 यहां यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक दिखाई दे रहा किसी को यहाँ ओके है ना कैमरा हाँ जी हाँ जी ओके यहाँ तक दिखाई दे रहा ठीक है इसके बाद आया 4.0 1994 में आया सॉरी यहाँ 1992 कर लेना भाई यहाँ 1992 ही कर लेना टू में दो थे ये 1992 1994 में आया 4. वर्जन कौन सा वर्जन आया फोर पॉइंट जीरो वर्जन लास्ट तक दिखाई दे रहा ना सभी को एक बार कमेंट, कमेंट करके बता देना मैं कैमरे से थोड़ा सा ऑफ हूँ एक बार कमेंट करके बता देना लास्ट तक दिखाई दे रहा ना हाँ पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी डोंट वरी लास्ट तक दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा ये बता देना एक बार यहां तक दिखाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा आई थिंक देना चाहिए मी चेक हाँ दिखाई दे रहा भाई दिखाई दे रहा ओके 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 काफी दिनों बाद क्लास लगा रहे हैं जी जी स्वागत है भाई आपका स्वागत है बिल्कुल स्वागत है भाई इसके बाद एक वर्जन आया था इसके बाद एक वर्जन आया था 1994 में ही एक वर्ज़न आया 1994 में ही एक वर्ज़न आया और वो वर्ज़न आया 1994 के अंदर ही एक वर्ज़न आया वो वर्ज़न आया 4.3 कौन सा वर्ज़न आया 4. देखना जी एक बार चेक करना बताना एक बार अभी भी बफरिंग हो रही है एक बार चेक करके बताना कुछ बफरिंग हो रही थी मेरे ख्याल से दिक्कत थी अब ठीक है शायद एक बार चेक करना चेक करके बताना भाई ना ओके ओके रिपोर्ट है ना अब ओके है ना वो नेटवर्क नेटवर्क इशू था नेटवर्क इशू था चलो आ जाओ चलो आ जाओ खेलते हैं सॉरी मतलब पढ़ते हैं हाँ हाँ इसके बाद 1995, 1995, 1995 के अंदर आया 95 वर्जन वर्जन का नाम ही क्या रखा नाइनटीन 1990... फाइव का वर्जन का नाम नाइन्टी फाइव ही रखा जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भाई जो भी शुभकामनाएं दे रहे हैं टीचर डे की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फिर 1997 1997 1997 उन्नीस सौ सतानवे के अंदर दो वर्जन आए उन्नीस के अंदर एक तो छियानवे और एक सतानवे एक छियानवे वर्जन और एक कौन सा वर्जन सतानवे वर्जन दो वर्जन आए छियानवे भी आया इसके अंदर और सतानवे भी इसके अंदर आया ठीक है ना ठीक है क्लियर बात इसके बाद आया वर्जन टू थाउजेंड नाइनटीन नाइन के अंदर वर्जन आ गया कौन सा वर्जन आ गया आपके पास 2000 कौन सा वर्जन आ गया 2000 वर्जन आ गया एमएस ऑफिस के वर्जन लिख रहा हूं मैं ये जी जी सादर प्रणाम प्रणाम भाई सभी को शॉर्टकट की बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे भाई चिंता न करो शॉर्टकट कर की बना देंगे डोंट वरी इसके बाद आया सॉरी इसके बाद आया टू थाउजेंड वन के अंदर XP कौन सा वर्ज़न आया XP वर्ज़न आया फिर आ गया आपका टू थाउजेंड थ्री के अंदर टू थाउजेंड के अंदर 2003 के अंदर वर्जन तीन वर्जन फिर आया आपका 2007 के अंदर 2007 वर्जन कौन सा वर्जन आया 2007? आप यहाँ पे एक कमेंट करके बताओ मुझे आप ये बताइए कि यहाँ में यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो कहाँ सी बदली थी एक्सटेंशन कहाँ पर आकर के बदली थी जो एक्सटेंशन बदली थी वो कहाँ पर आकर के बदली थी एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन नहीं चेंज हुई थी एक्सटेंशन थी पहले कुछ एक्सटेंशन थी उसके बाद कुछ एक्सटेंशन थी वो कहाँ आ करके चेंज हुई थी बताओ एक बार तो इसके बाद आया 2010 क्या आया 2010 आया भाई 2010 तो उसका वर्जन का नाम भी क्या था 2010 ही वर्जन था उसका वर्जन का नाम क्या था 2010 था यहाँ तक दिखाई दे रहा ना हाँ 2007 से चेंज हुई थी 2007 से चेंज हुई थी फिर आया 2013 वर्जन कौन सा वर्ज़न आया 2013 वर्जन आया और उसका नाम पड़ा 2013 नाम भी क्या पड़ा 2013 ही पड़ा बिल्कुल 2007 से चेंज हुए थे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छे चलिए इससे अगले पेज पे चलते हैं यहाँ तक लिख लिया होगा ना स्क्रीन शॉट जिसने लेना स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिसने लिखना है लिख लीजिए जल्दी कीजिए जिसने यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिसने लिखना है लिख लीजिए जल्दी करो ठीक है जी जी चलो आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी सहमति तो हो आगे बढ़ जाऊं मैं जी थैंक यू सो मच दीक्षित डेंजर गर्ल थैंक यू सो मच आगे बढ़ जाऊँ अगर ये नोट कर लिया हो और आपने स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लिया हो तो आगे बढ़ जाऊँ जी पिंकी जी थैंक यू सो मच तो चलिए आगे 2000 इसके बाद डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप आज स्लो मोड में चल रहे हैं बिल्कुल इसके बाद 2015 के अंदर आया 2016 वर्जन कौन सा वर्जन आया 2016 वर्जन ठीक है ना हाँ जी ये क्लास डेली होंगी इसके बाद 2018 में आया 2019 वर्जन 2019 वर्जन और इसके बाद लास्ट में 2020 में आया 2021 वर्जन हालांकि अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो 19 है ठीक है ना 19 है 16 है वो यही है लगभग ठीक है ना वो यही है 19 से 16 है हाँ भाई सी ई की क्लासों का टाइम चेंज कर देंगे सी ई की क्लासों का जो है टाइम चेंज कर देंगे भाई ठीक है ना बाकी ये क्लासें जो है ठीक समय पर चला करेंगे तो यहाँ तक ये यह चीजें रही हैं इसको कई बार जो है इसको जो है 2021 भी लिख दिया जाता है कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो मैं इक्कीस ही कर देता हूँ इसको 21 भी लिख दिया जाता है इसको बीस इक्कीस का मैटर था जैसे सेशन चलता है ना सेशन तो ऐसे सेशन की वजह से इसको लिख भी देते हैं 20 भी लिख देते हैं इक्कीस भी, भी लिख देते हैं हाँ जी डेली चलेंगी क्लास बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत किया करो बिल्कुल सही बात है तो यहाँ तक की कहानी थी इसकी ये कहानी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ये कहानी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम वो 2016 यूज़ कर रहे हैं या 2019 यूज़ कर रहे हैं लेकिन कुछ पुरानी हस्तियाँ 2007 यूज़ कर रही हैं 2010 यूज़ कर रही हैं 2013 बहुत कम लोग यूज़ करते हैं तो 1919 से शुरू हुआ 1.0 वर्जन आया था एम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इकान में वन पॉइंट इक्यानवे में, में ही 1.6, पॉइंट बानवा में 2.5, पॉइंट बानवा में ही 3.0, 1994 में ही 4.0, 1994 में ही 4.3, 5 फाइव में फाइव सेवन में सेवन सेवन नाइनटीन में 96 और सेवन 1999 में 2000, 2001 में XP, तीन में तीन सात में सात दस में दस तेरह में तेरह और पंद्रह में सोलह पंद्रह में सोलह अठारह में उन्नीस और इक्कीस में इक्कीस वर्षन आया ठीक है ना हाँ जी अब इसमें क्या है इसमें क्या मामला था ये जो 2007 से पहले थे क्या थे ये जो 2007 से पहले के ऑफ़िस थे इनकी जो एक्सटेंशन हुआ करती थी डोट डी होती थी जब अगर पूछा जाता था कि इनकी एक्सटेंशन क्या होती है फाइल की तो डोट डी इनकी फाइल एक्सटेंशन होती थी 2007 से पहले पहले वालों की क्या होती थी फाइल एक्सटेंशन डोट डी होती थी फाइल एक्सटेंशन क्या होती थी डोट डी होती थी फाइल एक्सटेंशन ठीक है ना डोट डी इसके बाद वालों की आ गई डोट डी क्या आ गई डोट डी ओ सी एक्स सॉरी ये माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड की है जो मैं कह रहा हूँ वर्ड की है ये ऑफिस की नहीं है पूरे की लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर चाइम जो एक्सटेंशन है वो चेंज होगी यहाँ पे एक्स नहीं था यहाँ पे सभी में एक्स आ जाएगा चाहे वो वर्ड की हो चाहे वो एक्सेल की हो चाहे वो पावर पॉइंट की हो चाहे वो एक्सेस की हो उनमें सभी में इनके बाद एक्स जुड़ जाएगा और इससे पहले वालों में एक्स नहीं जुड़ेगा चाहे वो डोट डी हो चाहे वो एक्स एल एस हो चाहे वो पी पी टी हो एक्स नहीं जुड़ेगा एक्स जो है एक्सटेंडेड वर्जन एक्स जो है एक्सटेंडेड वर्जन अब जुड़ेगा ठीक है ना हैप्पी टीचर्स डे थैंक यू सो मच भाई जीज थैंक यू सो मच एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं अगला पेज ले लेता हूँ अगले पेज में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्कस करते हैं फिर ठीक है अगले पेज पे चलते हैं एम एस ऑफिस डिस्कस करेंगे हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे भाई एम एस ऑफिस डिस्कस करेंगे देखो इनके वर्जन से कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है या यह पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वर्जन से ठीक है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे एम एस ऑफिस की यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे तो ये क्या है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये है आपका पैकेज क्या है पैकेज है भाई और पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं पैकेज में क्या मिलता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं इस पैकेज के अंदर इस पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के पैकेज में हमें क्या क्या मिलने वाला है हम माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस के पैकेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले एम एस वर्ड मिलने वाला है क्या मिलने वाला है एम एस वर्ड फिर हम हमें मिलने वाला है एम एस एक्सेल लिखते जाओ लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में फिर हमें मिलने वाला है एम एस पावर पॉइंट इनके अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना ये क्लासें डेली चलेंगी एम एस पावर पॉइंट फिर हमें मिलने वाला है एम एस क्या मिलने वाला है एम एस फिर हमें मिलने वाला है एम एस वन नोट एम एस वन नोट फिर हमें मिलने वाला है एम एस पब्लिशर क्या मिलने वाला है पब्लिशर एम एस पब्लिशर और फिर हमें मिलने वाला है कौन फिर हमें लास्ट में मिलने वाला है एक एम एस आउटलुक एम एस आउटलुक क्या मिलने वाला है एम एस आउटलुक लास्ट में हमें मिलने वाला है क्लियर होगी बात सभी को ये होते हैं ठीक है ना ये होते हैं इसके अंदर पैकेज के अंदर चीजें तो एम एस वर्ड लेटर लिखने के काम आता है छोटा छोटा लिख देता हूं मैं लेटर लिखने के काम आता है कई व्यक्तियों को भेजने के काम आता है कैलकुलेशन के काम आता है कैलकुलेशन कैलकुलेशन के काम आता है प्रेजेंटेशन के काम आता है प्रेजेंटेशन के काम आता है ये डेटाबेस होता है डेटाबेस, ये आपका डिजिटल नोट पैड होता है डिजिटल नोटबुक कह लीजिए डिजिटल क्या होती है ये आपकी नोटबुक होती है पब्लिशर आपका डिज़ाइनिंग के काम आता है डिज़ाइनिंग किस चीज़ की डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लैक्स बोर्ड फ्लैक्स बोर्ड एटसेट्रा इत्यादि एम एस आउटलुक आपका क्या है ई मेल क्लाइंट है एम एस आउटलुक आपका क्या है ई मेल क्लाइंट है ईमेल क्लाइंट है एम आउटलुक आपका तो ये इन इनके काम आते हैं भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को बात सभी को क्लियर है यहाँ तक हाँ जी वन नोट पब्लिशर बिल्कुल सही बिल्कुल सही एग्जैक्टली exactly सही कहा बिल्कुल सही आंसर सभी का सही है यहाँ तक ओके चल रहा है सब कुछ <laughs> बता दे करो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ठीक है ना ये क्लासें जो रहेंगी स्पेशली अपनी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हैं काम सभी स्टेटों के एग्जाम में आएंगी ठीक है ना तो एम एस एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस इसमें ये लगातार मैं ये पूरी सीरीज चलाऊंगा एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे एम एस ऑफिस की बिल्कुल पहली क्लास है ये ठीक है ना जो नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे तरीके से सारी चीजें समझते चलना कोई चीज ना समझ में आए तो चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये चीज नहीं समझ में आई तो अभी जो हम बात करेंगे अभी बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करेंगे वो हम बात करेंगे एम एस वर्ड की बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे सबसे पहले हम वर्ड की बात करेंगे भाई बात समझ में आ रही सभी को एम एस वर्ड की बात करेंगे भाई ठीक है ना क्लियर है बात तो देखो आ जाओ आगे आगे बढ़ते हैं एक पेज लेना था यहाँ पर कैसे ऐड करूँ एक पेज में तो थोड़ा सा एम एस वर्ड के बारे में बता देते हैं आपको सर टीचर डे के दिन राजौरी में आपकी बुक मिल गई सर आपका आशीर्वाद मिल गया समझो जी थैंक यू सो मच ये आप लोगों का प्रेम प्यारा भाई और तो क्या यहाँ लिख दो ठीक है ना थोड़ा सा आगे का मैटर मैं पीछे लिख रहा हूँ ठीक है ना ये वाला मैटर जो है वो मैं पीछे लिख देता हूँ अगर हो सकता है इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा इसके आगे का मैटर बचता है और अभी चीज़ें जो है पेंडिंग है अभी चीज़ें पेंडिंग है चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई ठीक यहाँ लिख देते हैं इसको यूटिलाइज कर लेते हैं अब एम एस जो वर्ड है आपका क्या है एम एस वर्ड जो आपका क्या है एम एस वर्ड है एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है एम एस वर्ड एक्चुअल में आपका है क्या एम एस वर्ड जो है आपका ये वर्ड प्रोसेसर होता है क्या होता है वर्ड प्रोसेसर होता है भाई क्या होता है एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर होता है कमेंट कर दिया के साथ। एमएस वर्ड क्या होता है वर्ड प्रोसेसर होता है तो सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कमेंट करके बताओ कौन सा है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है बताओ सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर सबसे सफल वर्ड प्रोसेसर कौन सा है सबसे सफल वर्ड प्रोसेसर कौन सा है सबसे सफल वर्ड प्रोसेसर कौन सा है और सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है तो सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है इलेक्ट्रिक पेंसिल इलेक्ट्रिक पेंसिल सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा अपना इलेक्ट्रिक पेंसिल भाई क्लियर है सभी को 1976 सेवेंटी ठीक है क्लियर होगी बात सभी को उन्नीस सेवेंटी सिक्स सबसे फेमस वर्ल्ड स्टार 1978 सेवेंटी एट सबसे फेमस वर्ल्ड स्टार 1978 सेवेंटी एट क्लियर है बात सभी को अन्य अन्य वर्ड प्रोसेसर अन्य वर्ड प्रोसेसर कौन से कौन से है नाम गिना दो फटाफट ये तो मैं कई बार करवा चुका आपको अन्य वर्ड प्रोसेसर कौन से कौन से हैं बताओ नाम गिना दो फटाफट सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है हैं राइटिंग तो मेरी बस ठीक ठाक है जी काम चला लो कोई ना मजाक मत करो <laughs> चला लो काम चला लो <laughs> तो देखो अन्य वर्ड प्रोसेसर कौन से कौन से हैं भाई अन्य वर्ड प्रोसेसरों में नाम आता है के राइट के राइट के वर्ड के राइट के वर्ड ओपन ऑफिस राइटर ओपन ऑफिस राइटर एम एस वर्ड एम एस वर्ड के राइट के वर्ड ओपन ऑफिस राइटर एम एस वर्ड ठीक है ना और एक लिख लो वर्ड परफेक्ट क्या लिख लोगे? वर्ड परफेक्ट वर्ड परफेक्ट भाई क्लियर है बात सभी को यहाँ तक हाँ स्टार ऑफिस राइटर लिब्रा ऑफिस राइटर एक की बात है बिल्कुल सही बात है के ऑफिस राइटर ये लो स्टार ऑफिस राइटर और लिख लो कोमा लगा के स्टार ऑफिस वालों का राइटर क्लियर होगी बात सभी को इस तरीके से ये क्या हाँ है अपने वर्ड प्रोसेसर हैं ये अपने ये क्या है हाँ अपने वर्ड प्रोसेसर है अपने ठीक है ना ये अपने वर्ड प्रोसेसर हैं जो फेमस हैं या ये कह लीजिए जो मार्केट में हैं लेकिन हम किसको जानते हैं हम किसे जानते हैं इनमें से इनमें से आप किसे जानते हो या किसे यूज करते हो एक बार कमेंट करके बताओ बताओ एक बार आप इसे इसमें से किसे जानते हो एमएस वर्ड को क्या बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर लिख देता हूं मैं यहां पे वर्ड प्रोसेसर ठीक है ना वर्ड प्रोसेसर लिख देता हूं आप इनमें से किसे जानते हो कौन सा यूज करते हो आप इनमें से तो कौन सा यूज करते हैं हम इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एम एस वर्ड यूज करते हैं भाई क्या यूज करते हैं एम एस वर्ड यूज करते हैं करते हैं कि कर नहीं करते हैं बता देना एक बार ठीक है ना तो ये एम एस वर्ड के बारे में था यानी कि वर्ड प्रोसेसर के बारे में था किसके बारे में था वर्ड प्रोसेसर के बारे में था तो आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसर आज हम शुरू करेंगे यानी कि हमने एम एस ऑफिस के बारे में अब तक पढ़ा है एम एस ऑफिस के अंदर के बहुत सारे पार्ट होते हैं उनमें से आज हमने एम एस वर्ड शुरू किया है क्या शुरू किया भाई एम एस वर्ड आज हमने शुरू किया है क्लियर होगी बात यहाँ तक तो एम एस वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें करेंगे देखते हैं देखो एम एस वर्ड में आ जाओ जब सबसे पहले एम एस वर्ड हम ओपन करते हैं जब सबसे पहले क्या करते हैं हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं देखो एम एस वर्ड को ओपन करना एम एस वर्ड को ओपन करना एम एस वर्ड को ओपन करने के दो से तीन तरीके हो सकते हैं कितने तरीके हो सकते हैं दो से तीन तरीके हो सकते हैं हालांकि आपसे तरीके नहीं पूछेगा कितने तरीके हो सकते हैं ठीक है ना लेकिन फिर भी एक तो होता है स्टार्ट बटन में जाकर के कहा जाकर के स्टार्ट बटन में जाकर के और एम एस ऑफिस पे क्लिक करके और एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड पे क्लिक कर दें किस पे क्लिक कर दें एम एस वर्ड पे क्लिक कर दें भाई ठीक है ना क्लिक कर दो पहला तरीका दूसरा तरीका है राइट क्लिक ऑफ माउस माउस का क्या करेंगे राइट क्लिक राइट क्लिक ऑफ माउस राइट क्लिक ऑफ माउस माउस का राइट right क्लिक करो क्लिक ऑन न्यू क्लिक न्यू न्यू पे क्लिक करो दे एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाएगा ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को हाँ दो से तीन तरीके हैं भाई सर बाकी क्यों नहीं यूज करते यूजर फ्रेंडली नहीं है इसलिए है ना कम कर सकते हैं लिखाई तो थो थोड़ी यूज कर सकते हैं ठीक है देखो और तीसरा तरीका है रन में जाकर के रन में रन में विन वर्ड लिख दें क्या लिख दें विन वर्ड ये भी क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यानि कि वर्ड प्रोसेसर है इसमें कई बार कंफ्यूज किया गया दिल्ली पुलिस वालों को विन वर्ड लिख के ये वर्ड प्रोसेसर ही है ये क्या है वर्ड प्रोसेसर ही है भाई ठीक है ना क्लियर को वर्ड प्रोसेसर विन वर्ड लिख दें और क्लिक कर दें ओके बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा क्या ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा क्लियर होगी बात यहां तक तो देखो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा सबसे पहली जो स्क्रीन आपके पास आएगी जो लेटेस्ट वर्जन है उसका बता रहा हूं तो जो सबसे पहली स्क्रीन आएगी आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी जो आपको दिखाई दे रही है गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग जो भी लिखा मिलेगा वर्ड होम न्यू ओपन नई फाइल हमने लेनी है या हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना है या पुरानी फाइल हमने ओपन करनी है तो हमारे पास ऑप्शन होंगे अगर हमने नई फाइल लेनी है तो नई फाइल पे हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को हाँ जी इसके बाद क्या आएगा इसके बाद जैसे हम नई फाइल लेंगे ये चीज हमारे सामने ओपन होगी अब इसमें से क्या क्या चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसमें से कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना ऑलमोस्ट इसी से कवर हो जाएगा मनीष जी ऑलमोस्ट इसी से कवर हो जाएगा लिब्रा ऑफिस में कुछ चीजें कुछ ही चीजें हैं जो अलग होती हैं ठीक है ना ऑलमोस्ट ये सभी ऑफिस जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं कुछ ही चीजें होती हैं शॉर्टकट्स वगैरह या कुछ ऐसा तो अलग होती हैं अदरवाइज सारी चीजें लगभग सेम होती हैं तो सबसे पहले नोट करने वाली चीज यहां पर क्या है जो सबसे ऊपर बार होता है ये वाला जो सबसे ऊपर बार होता है ये वाला इसको क्या कहा जाता है इसको टाइटल बार कहा जाता है क्या कहा जाता है टाइटल बार कहा जाता है क्या कहा जाता है टाइटल बार इस पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है क्या होता है इस पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होता है बाय डिफॉल्ट बताएं कमेंट करके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होता है बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होता है तब तक आप ये कमेंट करके बताएं मैं इधर थोड़ा सा बता रहा हूं ये नए वर्जन के अंदर ये नए वर्जन के अंदर यहां पर फाइल लिखा होता है क्या लिखा होता है नए वर्जन में फाइल लिखा होता है पुराने वर्जन में फाइल नहीं लिखा होता था पुराने वर्जन में क्या नहीं लिखा होता था फाइल नहीं लिखा होता था नए वर्जन में फाइल लिखा होता है ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को और ये जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपके टैब्स हैं ये आपके क्या हैं टैब्स हैं भाई आपके ठीक है ना इनको रिबन भी कहा जाता है रिबन भी कहा जाता है और ये होते हैं आपके टैब्स टैब्स भी भी क्या होते है? भी होते हैं हैं ठीक है क्लियर सभी को जी सर नमस्कार सर कैसे हो सर जी आपको भी अध्यापक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत सही कहा डॉक्यूमेंट वन नाम होता है बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है डॉक्यूमेंट वन नाम होता है बाय डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट क्या नाम होता है डॉक्यूमेंट का बाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन नाम होता है बाई डिफॉल्ट क्या नाम होता है बाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम बाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है डॉक्यूमेंट वन क्या नाम होता है डॉक्यूमेंट वन नाम होता है क्या नाम होता है डॉक्यूमेंट वन नाम होता है बाई डिफॉल्ट क्लियर होगी बस सभी को जी जी थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच जी सर आप भी प्रूव करते हो सर ऐसी बात नहीं है देखो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी सभी को ये आपका टैब था ये आपका टैब रिबन था ये टाइटल बार डॉक्यूमेंट वन नाम होता है अब मेरे को एक क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन पूछा दिल्ली पुलिस ने वो वर्ड से रिलेटेड भी है वो एक्सेल से रिलेटेड भी है कि ऐसा कौन सा बार है या कहां पर एप्लीकेशन और फाइल का नाम दोनों लिखे होते हैं एप्लीकेशन और फाइल का नाम दोनों कौन से बार पर लिखे होते हैं बताओ कमेंट करके बताओ एक बार जल्दी ये होता है आपका ये वाला जो मैटर होता है यह होता है आपका रूलर क्या होता है ये आपका ये आपका रूलर होता है भाई क्या होता है ये आपका रूलर होता है ठीक है ना ये आपके टैब भी होते हैं जैसे ये एक टैब है ये एक टैब है और ये आपका रिबन भी होते है। ना? ये रूलर होता है क्या होता है रूलर होता है भाई। फाइल की जगह मेनू लिखा होता था नहीं आ, स्वीटी वर्मा जी अभी बताएंगे वो भी बताएंगे कि क्या होता था ठीक है ना बिल्कुल सही कहा टाइटल बार क्या होता है जहां पे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दोनों का नाम लिखा होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है डॉक्यूमेंट वन और एप्लीकेशन कौन सी है वर्ड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन का नाम भी लिखा है वो टाइटल बार है ध्यान रखना कौन सा बार है टाइटल बार है टाइटल बार पे एप्लीकेशन का नाम भी होता है और फाइल का नाम भी होता है अब नोट करने वाली बात कौन सी है नोट करने वाली बात है इनके अंदर एक होम होता है फाइल होम इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू हेल्प होता है अब आपसे पूछा जाए इन में से कौन सा टैब नहीं होता एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टैब नहीं होता तो आपको ऑप्शन में देगा इंटरनेट ऑप्शन में क्या देगा इंटरनेट ऑप्शन में देगा तो ये नहीं होता आपको ऑप्शन में देगा फॉर्मूला आपको ऑप्शन में क्या देगा फार्मूला ये भी नहीं होता इसके अंदर इसके अंदर नहीं होता ना फॉर्मूला तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं होती आपको ऑप्शन में देगा स्लाइड शो आपको ऑप्शन में क्या देगा देगा स्लाइड शो देगा. तो यह भी ऑप्शन में नहीं होता ठीक है ना तो यह आपने होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू और व्यू ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि ये चीजें यहां पर होती हैं क्लियर होगी बात सभी को स्टेटस बार अभी नहीं बढ़ाया स्टेटस बार तो पढ़ेंगे अभी ना स्टेटस बार के बारे में तो पढ़ेंगे अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं एक बार ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को और यहाँ जो बटन होता है यह जो बटन होता है बिल्कुल फर्स्ट वाला जो बटन होता है, ये होता है है आपका सेव बटन कौन सा बटन होता है सेव का बटन होता है भाई। ये सेव का बटन बटन होता होता है है भाई आपका सेव सेव कर सकते हो आप फाइल को ये क्विक टूल बार होता है क्या टूल बार होता है क्विक एक्शन टूल बार इसके पास में एक टूल बार होता है यहाँ पे यहाँ तीर का निशान इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे तीर का निशान इस तरीके से मिलेगा इसको बोलते हैं क्विक एक्शन टूल बार क्या बोलते हो इसको आप क्विक एक्शन टूल बार कई आप बार आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा क्विक एक्शन टूल बार होता है तो ये क्या है क्विक एक्शन टूल बार है भाई क्या है क्विक एक्शन टूल बार है ये क्विक एक्शन टूल बार कौन सा है क्विक एक्शन टूल बार जो ऊपर मैंने मार्क किया है ये क्या है आपका क्विक एक्शन टूल बार है हाँ फॉर्मूला एक्सेल में होता है बिल्कुल सही कहा फॉर्मूला एक्सेल के अंदर होता है यहाँ तक की बातें क्लियर होगी टाइटल बार है ये पूरा का पूरा रिबन है रिबन के अंदर ये टैब हैं इंसर्ट लेआउट ये टैब हैं टैब के अंदर ये ग्रुप ऑफ कमांड होते हैं टैब के अंदर ये क्या होते हैं ग्रुप होते हैं ये एक ग्रुप है क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है पैराग्राफ एक ग्रुप ऑफ कमांड्स है इस तरीके से ये क्या होते हैं ये होते हैं आपके ग्रुप क्या होते हैं ये आपके ये आपके ग्रुप हैं ये होता है रूलर क्या होता है ये रूलर होता है रूलर शो करना हो और हाइड करना हो रोलर क्या करना हो रोलर या तो शो करना हो या हाइड करना हो कोई भी चीज दिखानी है या नहीं दिखानी है वो ऑलमोस्ट व्यू के अंदर होती है किसके अंदर होती है व्यू के अंदर होती है क्योंकि व्यू का मतलब क्या होता है व्यू का मतलब ही देखना दिखाना होता है ठीक है ना जो चीज हाइड करने कई बार आपसे पूछा गया है इसको हाइड करना हो शो करना हो तो कौन सा बटन दबाओगे तो हाइड करना शो करना है दो तो व्यू वाला ऑप्शन में हम जा करके देखेंगे यह चीज क्लियर बात यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं ऊपर किसी चीज पे क्लिक करते हो जब आप फाइल पे क्लिक करते हो ये वाला ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन था ना जब यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं सबसे पहले फाइल ले लेते हैं हम सबसे पहले ठीक है ना सबसे पहले फाइल फाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या-क्या ऑप्शन -क्या मिलता है ये 2016 के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको सभी चीजें 2016 के अनुसार मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं ठीक है ना एक तो ये पूछा जाता है मैक्सिमाइज बटन कहाँ होता है बताओ कहां होता है फिर मैं बताऊं मैक्सिमाइज बटन कहाँ होता है कोने में ऊपर होता है कोने में नीचे होता है कोने में नीचे राइट साइड में होता है कोने में नीचे लेफ्ट साइड में होता है ऊपर कोने में लेफ्ट साइड में होता है या ऊपर कोने में राइट साइड में होता है मैक्सिमाइज बटन कहा होता है बताएं जल्दी एक बार बताएं कमेंट करके बताएं कहां होता है मैक्सिमाइज बटन तो जो फाइल मेनू पे आपने क्लिक किया है फाइल मेनू में यहाँ आपको मिलेगा होम न्यू ओपन और इन्फो सेव सेव एज प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट और क्लोज क्लोज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लोज जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है ना क्लोज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है तो देखिए क्या रहे हो कोने में राइट साइड ऊपर बिल्कुल सही कहा राइट साइड में ऊपर कोने में होता है ये ये बटन होता है देखो ऊपर कोने में तीन बटन होंगे एक तो ये एक ये बॉक्स वाला और एक ये कैंसिल वाला ये जो बटन है इसको बोलते हैं हम मिनिमाइज बटन कौन सा बटन बोलते हैं इसको आप मिनिमाइज बटन बोलते हैं भाई ठीक है ना मिनिमाइज और इससे अगले वाले बटन को हम बोलेंगे मैक्सीमाइज क्या बोलेंगे मैक्सीमाइज आपसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और इससे अगले को बोलोगे क्लोज बटन क्या बोलोगे क्लोज बटन इसके क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे इस क्लोज में और इस क्लोज में क्या फ़र्क है यहां पर भी क्लोज़ है क्या है यहां पर भी क्लोज दिया है इस क्लोज में और उस क्लोज में क्या फ़र्क है क्या डिफरेंस है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमाइज भी कहा जाता है इसको जब ये मैक्सिमाइज हो जाएगी तो इसको रीस्टोर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है री भी कहा जाता है तो मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन का एक ही काम होता है जब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी विंडो को छोटे साइज में लिए हुए हो अपनी विंडो का फुल साइज करना है यानी कि पहले वाले साइज में लेकर जाना है तो कौन सा बटन दबाओगे मैक्सीमाइज का बटन दबाओ कौन सा बटन दबाओगे मैक्सीमाइज का बटन दबाओगे जी गुड इवनिंग भाई बात क्लियर होगी सभी को क्लोज इस क्लोज और इस क्लोज में क्या फर्क है कमेंट करके बताओ एक बार इस क्लोज में और इस क्लोज में क्या फर्क है इस क्लोज का क्वेश्चन पूछा गया था एच तो क्या, क्या, क्या चीज़ क्लोज होगी बताएं एक बार मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तब तक नया डॉक्यूमेंट लेना है तो यहां से लेंगे अगर पुराना डॉक्यूमेंट पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो नीचे से ओपन कर लेंगे पुराना डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है तो पुराना डॉक्यूमेंट यहां से निकलेगा पुराना डॉक्स यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से क्या ये चीज क्या है वेलकम टू वर्ड सिंगल स्पेस ब्लैंक ब्लू ग्रे रिज्यूम इस तरीके से ये चीज क्या है ये है अपने पास ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या होते हैं अपने पास ये टेम्पलेट होते हैं क्या होते हैं टेम्पलेट होते हैं भाई टेम्पलेट क्या होता है टेम्पलेट होता है प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है टेम्पलेट प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है टेम्पलेट कहलाता है यानी कि पहले से फॉर्मेट तैयार करके आपको रिज्यूम वगैरह का दे दिया गया है और वो ऑटोमेटिक यानी कि पहले से तैयार है जैसे आप क्लिक करोगे तैयार हो जाएगा सिर्फ आपने नाम वगैरह चेंज करना है ठीक है ना टाइटल वाले क्लोज बट से एमएस ऑफिस क्लोज हो जाएगा और होम वाले से आपने तब तक तो कमेंट डिलीट कर दिया हाँ जी देखो बिल्कुल सही बात कही है आपने बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर आप सही हो ये वाला जो क्लोज है ये वाला जो क्लोज है ये क्या करेगा ये आपका फाइल को क्लोज करेगा क्या करेगा फाइल को क्लोज करेगा फाइल को क्लोज करेगा और ये चीज़ क्या यानी कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा और ये वाला क्लोज जो है ये वाला क्लोज क्या करेगा आपका एप्लीकेशन को क्लोज करेगा भाई क्या करेगा एप्लीकेशन को क्लोज करेगा भाई एप्लीकेशन को क्या करेगा बंद करेगा भाई ठीक है ना एप्लीकेशन को बंद करेगा और वो फाइल को बंद करेगा भाई बात समझ में आई सभी को आई थिंक पहले से ही पता था बहुत अच्छी बात है भाई बहुत अच्छी बात है ठीक है ना क्लियर होगी बात हाँ जी जो देखो यहाँ फाइल क्लोज होगी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं ठीक है ना यहाँ फाइल क्लोज होगी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं क्लोज़ कर दिया तो एप्लीकेशन ही पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही क्या हो जाएगी क्लोज़ हो जाएगी भाई ठीक है ना टेम्प्लेट का मतलब होता है पहले से बना हुआ बिल्कुल सही कहा टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बने हुए पहले से तैयार रिज्यूमे बनाते हो रिज्यूमे में आपको कुछ नहीं लिखना सिर्फ नाम वगैरह चेंज करना है फॉर्मेट पहले से आ जाएगा कहाँ नाम होना चाहिए कहाँ कंपनी नेम होना चाहिए कहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए कहाँ क्वालिफ़िकेशन लिखी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें के अंदर आ जाएंगे तो अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ले लिया है आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर सेव एज का ऑप्शन कहाँ होता है 2016 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में सेव एज का ऑप्शन कहाँ होता है आपसे पूछेगा ऑप्शन आ जाएंगे ऑफिस बटन में होता है फाइल मेनू में होता है होम कमांड के अंदर होता है नन ऑफ दिस तो बताइए कहाँ होता है 2016 के अंदर सेव एज का ऑप्शन कहाँ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर सेव का ऑप्शन कहाँ होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे जो है बना बना कर पूछे जाते हैं तो कहां होता है बताएंगे कहा हुआ फाइल में हुआ कहा हुआ फाइल में हुआ ठीक है ना तो यहां सेव एज का ऑप्शन है तो सेव एज का ऑप्शन कहाँ हुआ फाइल के अंदर हुआ लेकिन 2007 की अगर ये बात करेगा किसकी बात करेगा 2007 की वहाँ ऑफिस बटन के अंदर होगा कहाँ होगा ऑफिस बटन के अंदर होगा आगे बढ़ते हैं ये दो दो चीज़ में लेके आया हूँ आपके लिए हो सकता है धुंधली दिखाई देते हो आपको हो सकता है साफ भी दिखाई देती हो अगर धुंधला दिखाई दे थोड़ा रेजोल्यूशन अपने मोबाइल का बढ़ा लेना ठीक है ना गाने कम सुन लेना थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लेना ये दो के अनुसार है यह ऑफिस बटन होता था 2007 में क्या होता था 2007 में ऑफ़िस बटन होता था और इसमें होता था सेव एज वगैरह ओपन वगैरह प्रिंट वगैरह ऑफिस बटन के अंदर होता था किसके अंदर होता था ऑफिस बटन के अंदर होता था ये है आपका 2007 के अनुसार और ये जो है नीचे वाला यहाँ तक यहाँ ये जो है 2003 तीन के अनुसार है ये 2003 वाला है ये 2007 वाला है तीन वाले में भी पहले फाइल मेनू होता था क्या होता था तीन वाले में भी पहले फाइल फाइल मेन्यू होता था और मेन्यू होते थे एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल टेबल विंडो हेल्प ये मेन्यू बार होता था टोटली कंप्लीट लेकिन 2007 में ऑफिस बटन आ गया और होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू और एड इंसर्ट ये ऑप्शन आ गए थे टैब आ गए थे ठीक है ना क्लियर होगी बात को ये 2003 के अनुसार ये 2007 के अनुसार और ये 2016 के अनुसार ये किसके अनुसार है 2000 आपका 16 के अनुसार है ठीक है ना क्लियर गया की बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक एक करके इनकी चीजें हम देखते हैं ये ये है मेनू बार सॉरी ये है आपका मैक्सिमाइज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर और क्लोज बटन मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन और क्लोज बटन और जो आपका स्टार्टिंग में होम मेनू के अंदर था सबसे पहले क्लिप बोर्ड था फिर फॉन्ट था फिर पैराग्राफ था पैराग्राफ के बाद स्टाइल ग्रुप आ गया और स्टाइल ग्रुप के अंदर जो है स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे और फिर एडिटिंग ग्रुप आ गया कौन सा ग्रुप आ गया एडिटिंग ग्रुप आ गया भाई ठीक है क्लियर बात सभी को तो आज हम जो है यहाँ तक पढ़ेंगे ये चीज़ और देख लेते हैं आज ठीक है ना जब भी पेज ओपन होता है तो इस तरीके का पेज ओपन होगा ये ऊपर रूलर दिखाई देगा पेज का कर्सर यहाँ पे है यानी कि यहाँ से लाइन जो है शुरू होगी यहाँ से लाइन शुरू करेंगे यहाँ से इतना इतना स्पेस हमने क्यों नहीं यूज़ किया ये वाला स्पेस हमने क्यों यूज़ नहीं किया क्योंकि ये क्या है पेज का टॉप मार्जिन है ये क्या है पेज का टॉप मार्जिन है भाई ये जो है पेज का क्या है आपका ये पेज का टॉप मार्जिन है यहाँ से इतना जो स्पेस बचा है ये ये पेज के किसके अंदर आता है टॉप मार्जिन के अंदर आता है भाई टॉप मार्जिन के अंदर ठीक है ना तो चार प्रकार के मार्जिन यहाँ पे इस पे हम लेते हैं कौन से कौन से मार्जिन लेते हैं चार प्रकार के टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन टॉप मार्जिन लेते हैं बॉटम मार्जिन लेते हैं राइट right मार्जिन लेते हैं और लेफ्ट मार्जिन लेते हैं और इतने इतने में फिर ये डॉक्यूमेंट लिखा जाता है भाई ठीक है ना एक बार बताओ सारे सारे मार्जिन बताओ टोटल मार्जिन कितने होते हैं सारे बताओ एक बार क्लिक सॉरी कमेंट करके बताओ एक बार सारे मार्जिन कितने कितने होते हैं कमेंट करके बताओ मार्जिन भाई एम ए आर जी आई एन मार्जिन मार्जिन कौन से कौन से होते हैं एक तो होता है आपका टॉप एक होता है आपका बॉटम एक होता है आपका लेफ्ट एक होता है आपका राइट और एक होता है आपका गटर क्या होता है गटर और एक होता है आपका मिरर क्या होता है मिरर होता है तो ये टोटल मार्जिन है अपने पास क्या है ये टोटल सारे के सारे अपने पास मार्जिन है भाई ठीक है ना ये सारे के सारे अपने पास क्या हैं मार्जिन है ठीक है, है।, है ना क्लियर हो गए सभी को ये टोटल मार्जिन होते हैं अपने पास हमें हाँ जो लाइक नहीं किया जिसने लाइक कर देना भाई आ, ये वाला तो मामला जरूर देख लिया करो आप संभाल लिया करो इसको ठीक है ना हाँ जी हाँ जी और एक गटर मार्जिन एक मिरर मार्जिन भी ले आया मैं एक मार्जिन और ले आया मिरर मार्जिन ठीक है ना देखो कई बार क्या होता है देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तो आप समझ ही गए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से कौन से होते हैं टॉप होता है पेज के ऊपर बॉटम होता है पेज के नीचे लेफ्ट होता है पेज के लेफ्ट में और राइट होता है पेज के राइट में यानी यानी कि कि ये मार्जिन है यहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट का कुछ भी नहीं लिखा जाएगा ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को हाँ जी हेडर वाला होता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही ठीक है देखो अब गटर मार्जिन क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि गटर मार्जिन होता क्या है तो बताओ क्या होता है गटर मार्जिन गटर मार्जिन होता है आपका स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या होता है स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान भाई स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान जो होता है वो क्या होता है गटर मार्जिन कहलाता है क्या कहलाता है गटर मार्जिन कहलाता है भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को इसकी पोजीशन पूछता है आपसे कई बार गटर की क्या पूछेगा आपसे पोजीशन पूछेगा कि इसकी पोजीशन कौन सी कौन सी होती हैं इसकी पोजीशन होती है एक तो होती है आपकी टॉप और एक होती है आपकी लेफ्ट क्या होती है लेफ्ट होती है या तो पेज के टॉप में हम स्पाइरल की बाइंडिंग करेंगे या फिर हम पेज के लेफ्ट साइड में स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे भाई ठीक है ना बात क्लियर होगी इस तरीके से हम बाइंडिंग करेंगे या तो पेज के टॉप में करेंगे या पेज के लेफ़्ट में करेंगे बात समझ में आ रही सभी को मिरर वाला कौन सा होता है मिरर वाला होता है जैसे जैसे कई बार क्या होता है हम ये जो स्पाइरल बाइंडिंग हम करेंगे स्पाइरल बाइंडिंग ही लगा लो कई बार पेज को हम ऐसे देखते हैं देखो ठीक है ना इस पेज में स्पाइरल बाइंडिंग कहाँ होगी इस साइड होगी ठीक है ना इस पेज में स्पायरल बाइंडिंग के लिए जो सुराख लगेंगे इस साइड लगेंगे और इस पेज में इस साइड लगेंगे ऐसा ही है ना इस पेज में तो इस साइड लगे हैं इस पेज में इस साइड लगेंगे यानी कि जब देखना हो ये मिरर मार्जिन है यानी कि अगर हमने देखना हो सिर्फ कि दोनों साइड से कितना कितना मार्जिन जा रहा है ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा मार्जिन तो ये मिरर यानी कि शीशे की तरह इसको उस साइड करके देखें तो शीशे की तरह बिल्कुल दिखाई देता है बिल्कुल अपोजिट में बिल्कुल सही बात है ठीक है ना तो ये मार्जिन था यानी कि सबसे पहला पेज जो हमारा दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा और ये ये मार्जिन हमारे पास होंगे भाई तो ये ये मिरर मार्जिन है ये वाला जो मार्जिन है मिरर मार्जिन है यानी कि इस पेज पे यहाँ से यहाँ तक छोड़ा है तो इधर वाला जो पेज है ये यूँ है यानी कि यूँ खोलेंगे किताब को तो इधर मार्जिन कितना होगा ये होता है आपका मिरर मार्जिन क्या होता है ये आपका मिरर मार्जिन होता है भाई ठीक है ना तो कल हम यहां से शुरू करेंगे होम टैब से शुरू करेंगे ठीक है ना होम टैब से शुरू करेंगे कल होम टैब पढ़ेंगे आज यहीं तक पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी हो गया कल हम होम टैब से पढ़ेंगे ठीक है ना होम टैब से पढ़ेंगे और मतलब ज़्यादा जो टाइम लेने वाले हैं वो होम टैब और इंसर्ट है बाकी जल्दी हो जाएंगे यानी कि दो से तीन क्लासें तीन से चार क्लासें इसकी रहने वाली हैं तो उसमें लगभग कोशिश करेंगे कि अपना कंप्लीट हो जाए तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तह दिल से धन्यवाद वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर देना लाइक तो आपने कर ही दिया होगा आई थिंक ठीक है ना तो जितना और भी हो सके सभी तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू राम राम जय हिंद भाई सभी को